हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आप सभी का स्वागत है अमानत डे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये वाला पोस्टर का पीएलपी फाइल देने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे लाल का मैं पोस्टर यहाँ पर बनाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये वाला पोस्टर का आपको पीएलपी फाइल देने वाला हूँ। तो इस पीएलपी फाइल को डाउनलोड करके किस तरह से पिक्सल में ऐड करेंगे और किस तरह से जो यहाँ पे एल्बम का मैं नाम लिखा हूँ किस तरह से लिखेंगे, वो सब आपको इस वीडियो में बताया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इसका जो पीएलपी फाइल का लिंक रहेगा उसका इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक मैं व्हाट्सअप में कॉपी करके रखा है तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता है। ये लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाकर डाउनलोड करना है। तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने जैसे क्लिक करेंगे तो कोई भी एक ब्राउजर में ओपन करने को बोलेगा, तो आपको कोई भी एक ब्राउजर में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर टच करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे टच करेंगे तो इसका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका डाउनलोडिंग चालू हो चुका है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा बस, उसके बाद से दोस्तों आपको RRF डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा RRF, वो अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से RRF को ओपन करेंगे, ओपन करने वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। उसके बाद से जो मैं जी फाइल का नाम दिया है वो आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो मैं यहाँ पे नाम दिया आरा का मेला, तो इस तरह से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाला है, तो इसके ऊपर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद से प्लस के बगल में तीर का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ नीचे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पासवर्ड मांगेंगे, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड आपको 5688 डाल देना है। उसके बाद से ओके कर देना है। ओके कर देंगे उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे फाइल अनजिप हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको पिक्सल लैब में आ जाना है। फिर से आप पिक्सल लैब को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और ओपन डॉट पीएलपी फाइल पे क्लिक करेंगे। ऊपर पीएलपी लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे आरा का मेला जो फोल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आरा का मेला घुमा दी ये वाला फोल्डर है। तो इसको क्लिक करेंगे और इसके ऊपर टच करके इसको हम डाउनलोड कर लें। ओपन एंड ऐड पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ऐड हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे एल्बम का जो नाम लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे फोटो और नाम सब चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जाना है और इस तरह से लॉक को हटा देना है। यहाँ पे लॉक को हटाने के बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर जो भी नाम चेंज करना है सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एल्बम का नाम हटाकर आपको लिख के यहाँ पे दिखा देता है किस तरह से लिखना है। यहाँ से हम रिमूव कर दें। इसका जो ये फंड है इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इस फंड को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड करके आपको यूनिकोड पैड एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है। उसके बाद से जो भी आपके गाने का एल्बम का नाम रहेगा वो एल्बम का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले से मैं यहाँ पे लिख के रखा है। तो ये जो मैं यहाँ पे देखिए लाइन जो मैं यहाँ पे दिया है तो इसको मैं आपको यहाँ पर एक ही अक्षर को दिखा देता है। यहाँ नीचे आएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे तो ये वाला देखिए ये वाला है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सभी अक्षर में इसी को ऐड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से पिक्सल में आ जाएंगे। पिक्सल में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको फंड को सिलेक्ट कर लेना है। फंड वाला ऑप्शन में आना, माई फंड में आना है, फंड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। फंड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से एक बार कॉपी कर लेना है और एडिट पे क्लिक करना है और इतना एक बार कट कर देना है। इसको कट कर देंगे, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इतना कट कर देंगे। इस तरह से कट करके दोनों को अलग अलग कर लेंगे दो भाग में। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे और इसका साइज हम इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, फिर इसका भी हम साइज यहाँ पे बड़ा कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से साइज को बड़ा कर लेंगे। उसके बाद इसमें कलर कर देंगे। कलर करने के लिए इसको नीचे वाले पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको कलर कर लेना है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा
तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर टच करना है और यहाँ प्लस वाले में क्लिक करना है और यहाँ पे जो ब्लैक कलर है इसके इसको टच करना है और यहाँ पे टच करके आपको इसको यहाँ पे येलो कलर कर देना है इस तरह से और ओके कर लेना है। इस तरह से करके आपको ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे स्टॉक दे देना है, यहाँ पे ब्लैक कलर का स्टॉक दे देंगे 5 पॉइंट तक, 5 6 7 जितना आपको अच्छा लगे उतना दे देना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको स्टाइलिश के ऊपर क्लिक करना है, उसको सेव कर लेना है इस तरह से, फिर नीचे वाले पे क्लिक करना है, फिर स्टाइलिश पे क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और माई स्टाइलिश में जाना है और इसके ऊपर टच करके फिर इस पे भी यही कलर सेट कर देंगे इसी तरह से, एक बार में पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ नीचे क्लिक करके एक साथ दोनों को मर्ज कर देना है आपको इस तरह से, एक साथ मर्ज कर देना है। उसके बाद इस तरह से नीचे खींच के इसको थोड़ा बढ़ा लेना है और इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ 3D शॉप पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है और इसको भी यहाँ पे 2 3 पॉइंट तक रख लेना है और कलर यहाँ पे रेड कलर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और इसको हम पूरा 0 कर देंगे और इस तरह से आपको रोटेट कर लेना है अपने हिसाब से। और यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं इसको जो भी लाइट यहाँ पे देना है आपको और यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है और आपको इस तरह से इसको भी इस तरह से कर लेना है और ये लाइन जो पूरा दिया है यहाँ पे सभी लाइन को पूरा फुल फुल यहाँ पे खींच देना है इस तरह से करके आपको इस एल्बम को इस तरह से लिख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप एल्बम को नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे फोटो चेंज कर सकते हैं, फोटो यहाँ पे जाके आपको यहाँ से फोटो को डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको प्लस वाले में क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाके जो भी आपको फोटो यहाँ पे ऐड करना है वो फोटो आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी फोटो आपके पास रहेगा वो फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं यहाँ पे सभी फोटो को यहाँ पे इस तरह से ऐड करके इस तरह से आपको यहाँ पे साइड में लेके इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खेसारी लाल का फोटो लगाया ही है, इसको अनेबल कर देता है, इसको डिसेबल कर देता है इस तरह से। इस तरह से आपको फोटो लगा लेना है और यहाँ पे नाम वाम सब चेंज कर लेना है। तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे लॉक कर देना इस तरह से, लॉक करने के बाद जो नाम लिखा है इसके ऊपर इस तरह से एडिट पे क्लिक करके नाम को आपको चेंज कर लेना है इस तरह से, सभी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद से दोस्तों आपको इसको PNG में सेव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट लिखा है इसके ऊपर क्लिक करके इसको इस तरह से करके इसको PNG में सेव करके इसको पीछे बैकग्राउंड भी चला सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं। और इसको HD में करने के लिए दोस्तों आप रेमनी ऐप में जाके इसको HD में कर लीजिएगा, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा किस तरह से मतलब HD में करते हैं, उस वीडियो में बताया हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।